हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो एज योर रिक्वेस्ट हॉस्टल्स पे है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था हॉस्टल पे वीडियो बनाने के लिए, तो आज का वीडियो हॉस्टल्स पे है बेसिकली। तो अगर मैं सारा हॉस्टल का वीडियो एक साथ बनाऊं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो बस मेन हॉस्टल पे है, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे OBC हॉस्टल, फिर TCET हॉस्टल। तो मेन हॉस्टल बेसिकली PhD स्टूडेंट्स के लिए है। OBC हॉस्टल UG स्टूडेंट्स के लिए है एंड TCET हॉस्टल PG स्टूडेंट के लिए है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस मेन हॉस्टल देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं OBC और TCET हॉस्टल के बारे में बताऊंगा। सो आज का वीडियो बस PhD हॉस्टल पे होने वाला है। सो लेट्स गो, दिखाता हूँ कैसा है PhD हॉस्टल, कितने बेड्स है, क्या है, कैसा है, कैसे उनके रूम है। सो लेट्स गो गाइस। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So this is the entrance gate of main hostel. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. ये हॉस्टल के सेंटर में एक छोटा सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ से हॉस्टल है और ये सिटिंग एरिया हॉस्टल के पूरे सेंटर में है, पूरे बीचों बीच। सो यू कैन कम हियर एंड रिलैक्स योर सेल्फ। मैंने PhD की वजह से बात कर रखा है टू शूट द वीडियो ऑफ हिज रूम, एंड वो मुझे अलाउ कर दिए कि मैं उनके रूम का वीडियो शूट कर सकूँ। तो स्पेशल थैंक्स टू हिम। सो लेट्स गो। सो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ सिटिंग एरिया। दिस इज फॉर PhD स्टूडेंट। हियर वी हैव सिंगल बेड और स्टडी टेबल भी है, यहाँ पे दो है और एक अलमीरा है, सेपरेट अलमीरा, और एक ये और वन फैन फॉर ईच ऑफ देम। हियर आल्सो वी हैव अनदर रूम एग्जैक्टली सेम। बालकनी ये, टॉयलेट, बाथरूम, सॉ इज ऑल्सो देयर। हियर ऑल्सो वी हैव बालकनी। तो दिस इज OBC हॉस्टल। दोनों रूम के लिए बालकनी है यहाँ पे, और ये रूम का पूरा ओवरव्यू। ट्यूबलाइट इज देयर एंड वन लैंप इज देयर। तो ये फिक्स्ड अलमीरा है और एक मूवेबल अलमीरा भी है यहाँ पे। सो दिस इज सिंगल बेड। सो टू स्टूडेंट इन वन रूम। बाथरूम यहाँ पे खुद से साफ करना होता है, सेपरेट बाथरूम है। तो
तो गाइस जो अभी आपने रूम देखा वो एक रूम था फॉर टू पीपल्स, बट यहाँ पे मेन हॉस्टल में आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है अगर आप GRF क्वालिफाइड है तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि सिंगल रूम फॉर सिंगल पर्सन भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप वो भी ले सकते हैं, आपके प्रेफरेंस पे है। अगर आप GRF क्वालिफाइड है तो आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आप सिंगल रूम चाहिए तो आप सिंगल रूम ले सकते हैं, बट अगर आप GRF क्वालिफाइड नहीं है तो आपको डबल ही मिलेगा। अगर रूम खाली हो तो फिर आपको मिल सकता है, अगर आप उसकी डिमांड करते हो और रूम खाली है तो आपको अलॉट हो सकता है। तो चलते हैं अब देखते हैं सिंगल रूम फॉर सिंगल पर्सन कि वो कैसा है, कितने स्पेस है, क्या है। तो अभी जो आपने देखा उसमें सिंगल रूम था तो वो काफ़ी बड़ा था और उसमें दो लोग अलग अलग थे, दोनों के लिए अलग डिवाइड किया हुआ था, बट सिंगल रूम आपको एक ही लोग होंगे, उसमें सिंगल बेड होगा, तो देखते हैं उसको भी कैसा है वो। सो दिस इज सिंगल रूम फॉर वन स्टूडेंट, यहाँ भी एक अलमीरा है, सिंगल बेड, स्टडी टेबल, एक किंग साइज अलमीरा और बालकनी, और ये बाथरूम इसमें दोनों अटैच्ड हैं, लैट्रिन बाथरूम बोथ, एंड दिस इज बालकनी, बालकनी इज अटैच्ड विथ अदर रूम, ये अभी खाली है, सो अगर कोई इसमें आता है तो बालकनी शेयर करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको एक फैन मिलता है, एक लैंप है, एक ट्यूबलाइट। दिस इज द रूम व्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।